गुड आफ्टरनून एवरीवन। सुपर कोचिंग टेस्ट बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। पारुल, ओम प्रकाश, अभिषेक, गुड आफ्टरनून बेटा। स्वाति, चांदनी, निशा, गुड आफ्टरनून बेटा। जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अमन, पूजा, गुड आफ्टरनून बेटा। जल्दी जल्दी आ जाओ, देन स्टार्ट करेंगे। फिर आज हम शुरू करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट जो भी, एक मिनट अभी चेक करती हूँ। एक मिनट रुको। आवाज तो कम पूरी है बेटा, फिर आवाज कम क्यों है? चेक कर रही हूँ बेटा, एक मिनट रुक जाओ बस।
आई आवाज तुम लोगों को? अब तो ठीक है ना? मुझे अब लग रहा है काफी बेटर है पहले से। हाँ, चलो तो देन स्टार्ट करते हैं फिर। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आज हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। तो देखो, जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं। कोई भी मेरे पास अगर किसी भी चीज की, जैसे हम गेस करते हैं ना, जैसे मौसम खराब है तो उसको देख के हम ये कह सकते हैं कि शायद आज बारिश हो सकती है ना। मतलब जहां पर भी प्रोबेबिलिटी कब यूज करते हैं, जब हमें किसी चीज को एज्यूम अजम्पशन, जब मतलब जिसके हमें पता है कि ऐसा हो सकता है बट एग्जैक्टली हम नहीं बता, मतलब या चांस की में माइट, और जैसे इंग्लिश में बात करते हैं कि चांसेस किसी भी चीज के कि वो कितने ज्यादा है, या हमारे पास मतलब जिसका हमें एग्जैक्टली हम ना बता सके, जहां हमें गेसिंग करनी होती है, उन सब चीजों में हम किसका यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। आज ये बारिश हो सकती है, किसी के तुम्हें आने का इंतजार है, या किसी ने तुम्हें बोला हुआ है, तुम्हारे फ्रेंड ने कि हाँ बिल्कुल दिस इज अ प्रोबेबिलिटी फर्स्ट क्लास है ये। तो किसी भी चीज के लिए तुम्हारे फ्रेंड ने बोला हुआ है कि हाँ आज मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ, तो मतलब चांस जहां पर भी जो भी मेरे पास होते हैं वो सब मेरे पास किसके, जो भी मतलब हम गेस करते हैं कि हाँ आज वो आ सकता है, मेरा फ्रेंड है वो आ सकता है, तो इस चीज के जो भी चांसेस होते हैं हम प्रोबेबिलिटी फाइंड, उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। अब जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास क्या क्या होते हैं, जो जो हमें स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए, तो वो है सबसे पहले हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट, सैंपल स्पेस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, सर्टेन इवेंट्स एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स। तो अब मेरे पास होते क्या हैं ये सब? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड सर्टेन इवेंट्स क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? रैंडम एक्सपेरिमेंट की। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो क्या होते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट जो मुझे पता है, जैसे मान लो हम एक क्वाइन को, द एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिकेटेड विद सर्टेनली, ठीक है, इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। या ये भी बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिकेटेड इन एडवांस, ठीक है, मीन्स कि हमारे पास जैसे हम एक क्वाइन को थ्रो करते हैं, तो जब हम क्वाइन को थ्रो करते हैं तो मुझे पता है क्या आएगा, या तो मेरे पास हेड आएगा या टेल आएगा, यही दो चीजें हो सकती हैं, बट तुम एडवांस में नहीं बता सकते कि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। जैसे अब तुम एग्जाम DSSB की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अब DSSB की तैयारी करो, तुम्हें पता है कि या तो तुम सक्सेस होगे, या तो तुम्हें नौकरी मिलेगी, या तुम क्या होगे, सक्सेस नहीं होगे मतलब फेल हो जाओगे, मतलब तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन तुम इन एडवांस 100% ये नहीं कह सकते कि हाँ ये चीज होगी, भाई मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, या मेरा एग्जाम तो क्लियर होना ही होना है, ठीक है, तुम इन एडवांस उसको जो है वो प्रेडिकेट नहीं कर सकते। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिकेटेड विद सर्टेनली इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। इट इज एन एक्सपेरिमेंट विच वेन रिपीटेड सेवरल टाइम्स अंडर द आइडेंटिटिकल कंडीशंस, ठीक है। तो ऐसे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद बात करते हैं सैंपल स्पेस की। अब सैंपल स्पेस क्या होता है? अब तुमने जो है, जब हम सैंपल स्पेस की बात करते हैं, तुमने क्या किया? रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कहा था तुम्हें, तुमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, एक कॉइन को एक बार थ्रो किया, ठीक है, अब कॉइन को थ्रो किया तो तुम्हारे पास क्या होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मींस जो ये हेड और टेल आना है,
ये तुम्हारा सैंपल स्पेस है कि जो भी तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस एक्सपेरिमेंट से जो भी तुम्हें आउटकम्स मिले वो आउटकम्स जो हैं वो कहाँ आते हैं, वो सैंपल स्पेस के अंदर आते हैं। अब तुम किसी दो कॉइन थ्रो करते हो तो फिर क्या होगा, तुम्हारे पास क्या 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 हो सकता है सैंपल स्पेस के अंदर? दोनों दो कॉइन थ्रो किए, हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, या फर्स्ट कॉइन पर हेड आए सेकंड पर टेल आ जाए, या सेकंड पर टेल आए फर्स्ट पर टेल आए सेकंड पर हेड आ जाए, या दोनों पर क्या आ जाए टेल आ जाए। ठीक है, तो ये तुम्हारा सैंपल स्पेस है। उसके बाद तुमने एक डाइस को जो है थ्रो किया, तो डाइस जब तुम करोगे तो सैंपल स्पेस, डाइस तुम्हें पता है लूडो वाला डाइस सबने देखा है, उसके ऊपर नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। तो इसके सैंपल स्पेस में जब एक डाई को तुम थ्रो करोगे तो तुम्हारे पास जो है क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 ये तुम्हारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये तुम्हारे पास सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, सैंपल स्पेस के अंदर आते हैं। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बता दो। चलो, उसके बाद मेरे पास क्या होते हैं, इवेंट। इवेंट की बात करते हैं तो इवेंट हमारे पास क्या होते हैं, इवेंट जो है वो सबसेट होते हैं किसका, सैंपल स्पेस का। जो इवेंट्स हैं वो सबसेट होंगे सैंपल स्पेस का। जैसे मैंने अभी तुम्हें कहा था कि तुम एक कॉइन को जो है वो थ्रो करते हो तो उससे तुम्हारे पास क्या आते हैं, जो भी आउटकम्स आए वो तुम्हारे पास क्या हो गए, वो सैंपल स्पेस हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हेड आने की, कि हमने डाई को थ्रो किया तो हेड आने की पॉसिबिलिटी बतानी है, तो तुम्हें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, हेड की। ठीक है, तो ये जो इवेंट है उस इवेंट के अंदर सिर्फ क्या आएगा, हेड आएगा। ठीक है, जैसे मैं दो बार थ्रो करती हूँ तो तुम्हें पूछा जाए एट लीस्ट एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एट मोस्ट हेड आने की, वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हाँ, रिजल्ट्स ऑफ आउटकम्स जो भी कंडीशंस दे रखी हैं ये कह सकते हैं, अगर मैं सैंपल स्पेस के ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दूं। ठीक है, कि हम किसी पॉइंट को थ्रो कर रहे हैं तो वो सारे जो भी आउटकम्स आए वो सैंपल स्पेस के अंदर आएंगे, लेकिन मैंने कंडीशन लगा दी कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि एट लीस्ट वन हेड आने की। ठीक है, तो एट लीस्ट वन हेड आने की सैंपल स्पेस के अंदर जो आउटकम्स थे, दोनों हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल और दोनों टेल। अब एट लीस्ट एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो तुम्हारे पास एटलीस्ट एक का मतलब है एक या एक से ज्यादा, तो इवेंट के अंदर क्या क्या आएंगे, ये तीन आ जाएंगे, ये इवेंट्स होगा। तो मीन्स हमने सैंपल स्पेस पर कुछ कंडीशंस लगा दे तो देन वो कंडीशंस जो हैं वो मेरे पास क्या हो जाते हैं, इवेंट्स हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सर्टेन इवेंट्स की। अब सर्टेन इवेंट्स क्या होते हैं, एन इवेंट्स विच मस्ट अकर वट एवर बी आउटकम। सर्टेन इवेंट्स होते हैं आउटकम कुछ भी आए, ठीक है, वट आउटकम इवेंट विच मस्ट अकर, जो अकर करेंगे ही करेंगे, वट एवर टू बी एन आउटकम, आउटकम्स कुछ भी आए वो अकर करेंगे ही करेंगे, ऐसे इवेंट्स को क्या बोला जाता है, सर्टेन इवेंट्स बोला जाता है। सर्टेन इवेंट्स इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। जो मेरे पास सर्टेन इवेंट्स हैं वो किसके इक्वल होते हैं, सैंपल स्पेस के इक्वल। जैसे मैं एक फिर वही क्वाइन वाला एग्जाम्पल की बात करें कि थ्रोइंग अ क्वाइन एंड गेटिंग हेड और टेल, ठीक है, हेड और टेल इज अ सर्टेन इवेंट। कि क्वाइन को जो है तुम थ्रो करोगे, थ्रोइंग अ क्वाइन, तो तुम्हारे पास जो तुम्हें मिलेगा या हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, तो वो हेड और टेल जो हैं वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, सर्टेन इवेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सर्टेन इवेंट्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होंगे, सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाते हैं। तो देन उसके बाद आगे बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स इवेंट्स विच कैन नॉट अकर इन अ पर्टिकुलर रेंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऐसे इवेंट्स जो हैं
वो मेरे पास अकर नहीं करेंगे किसी पर्टिकुलर रेंडम एक्सपेरिमेंट में, इज कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट्स बोला जाता है। इम्पॉसिबल इवेंट्स है तो इसका मतलब जो उनका सेट होगा इम्पॉसिबल इवेंट्स का, वो क्या होगा, नल सेट होगा। ठीक है, जैसे हम कॉइन, एक टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग टू हेड्स, अब मैं कहूँ एक कॉइन को तुमने टॉस किया और दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, हाँ हम फेल हो जाए, ठीक है, तो मेरे पास टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग टू हेड इज इम्पॉसिबल इवेंट्स, कि एक कॉइन को थ्रो कर रहे हो और या टॉस कर रहे हो और तुम्हारे पास दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है, दो हेड आ ही नहीं सकते, तो ऐसा जो इवेंट है वो क्या हो जाएगा, वो इम्पॉसिबल इवेंट्स हो जाएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें कहूँ कि तुम एक डाई है, डाइस को उछाल रहे हो और मैं तुम्हें कहूँ सेवन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो अब सेवन तो होता ही नहीं, डाइस के अंदर तो 1 to 6 नंबर होते हैं, तो सेवन आने की पॉसिबिलिटी क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं। ठीक है, सेवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी पॉइंट में तो बता सकते हो। चलो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं ऐसे इवेंट्स जो कभी भी किसी सेम ट्रायल में नहीं आ सकते। ठीक है, बिल्कुल कराऊंगी बेटा, जो भी तुम्हारे DSSB के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी साथ साथ कराऊंगी। ठीक है, कोशिश करेंगे हर वीक जो भी हमने टॉपिक, एक टॉपिक को जिसको भी कवर करेंगे, जिस भी टॉपिक को, साथ साथ उसके PYQs भी कर ले। ठीक है, आगे से मैं हर टॉपिक के साथ ये कोशिश करूंगी कि PYQs की अलग सीरीज ना चलाकर टॉपिक वाइज जैसे भी हम कर रहे हैं उसमें हर टॉपिक के PYQ भी कर ले। ठीक है, कुछ ऐसा रहेगा तो भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम क्या कह रहे थे, हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात कर रहे थे। टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या हम कह सकते हैं डिसजॉइंट, इनको ना डिसजॉइंट भी बोलते हैं, कि इफ दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू अकर इन द सेम ट्रायल, जो किसी सेम ट्रायल में अकर नहीं करते, मींस दे कैन नॉट हैपन टुगेदर इन द सेम ट्रायल, जो किसी सेम ट्रायल में एक साथ नहीं आ सकते। जैसे मैंने कॉइन को थ्रो किया या टॉस किया, तो टॉसिंग अ कॉइन, तो तुम जब कॉइन को टॉस करते हो तो तुम्हारे पास जो है हेड और टेल कभी भी जो है दोनों एक साथ नहीं आ सकते, या तो हेड ही आएगा या तुम्हारे पास क्या आएगा, टेल ही आएगा, जो आउटकम्स हैं वो बोथ नहीं आ सकते, तो ऐसे इवेंट्स को बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो दो इवेंट ए और बी हैं, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इनकी इंटरसेक्शन जो है वो क्या होगी, एम्पिटी होगी, क्योंकि जो जो ट्रायल ए में है वो कभी भी बी में, मतलब ऐसे ट्रायल जो कभी भी एक साथ जो है, मतलब ऐसे इवेंट्स जो मेरे पास जो है, एंड ए सेट ऑफ इवेंट्स इज सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे हैपन ऑफ वन एक्सक्लूड द हैपनिंग टू द अदर, कि पहले वाला जो है वो दूसरे के होने के लिए उसको पहले वाले को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, या वो उसमें एक्सक्लूड होगा, हट जाएगा, उसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो दे कैन नॉट हैपन टुगेदर इन द सेम ट्रायल, जो किसी भी सेम ट्रायल के अंदर नहीं आएंगे, ऐसे इवेंट्स को क्या बोला जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। उसके बाद आते हैं म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट्स। एक्सहॉस्टिव इवेंट्स होते हैं कि मेरे पास ये सोच लो कि जितने भी पॉसिबल तुम इवेंट्स सोच सकते हो उन सब की जो यूनियन है, उन सब की जो यूनियन, देखो लिखा ना, ऑल द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट पुट टुगेदर, जितने भी आउटपुट्स हैं, जितने भी ऑल द आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स आए हैं ऑल द एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट के पुट टुगेदर, उनको एक साथ पुट कर दो, देन इट कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो वो क्या होगा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होगा, मतलब तुम्हारे पास जितने भी इवेंट्स हैं उन सबकी जो यूनियन है वो तुम्हारे पास क्या आ जाती है, वो आ जाती है एग्जॉस्टिव इवेंट्स आ जाती है। ठीक है, जैसे अब मैं यहां पर, यहां तक तो कोई दिक्कत हो तो बता दो। हाँ एग्जाम्पल दे देती हूँ, देखो मान लो मैंने दो इवेंट्स ले लिए, एक इवन इवेंट्स ले लिया
ठीक है, अब मैं यहां से तुम्हें एग्जाम्पल ये ले सकती हूँ कि कोई भी, जैसे हम एक डाई है, डाइस के ऊपर ही ले लेते हैं कि तुम थ्रो करोगे सम इज 5, ठीक है, इवन के अंदर मैंने क्या ले लिया, सम इज 5, सम 5 आ रहा है, दो डाइस को थ्रो किया, ई टू ले लिया मैंने, सम इज 7, आ सम इज 7, सम 7 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये देखो कि तुम्हारे पास जो है सम इज 5 आ रहा है, तो सम 5 आ रहा है, तो 5 आने की जैसे 1 और 4 आएगा तो 5 आएगा, और क्या आएगा, 4 और 1 पर 5 आएगा, और क्या हो सकता है, 5 3 और 2 पर 5 आएगा, 2 और 3 पर 5 आ जाएगा, और किसी पर भी पॉसिबल है, 2 3, बस 5 आने का यही है ना, और तो कोई नहीं है, कोई हो तो बता देना, कोई और बचे तो नहीं, और नहीं है। उसके बाद 7 आने का, 7 कहाँ आएगा, 1 6 पर, 6 1 पर, 2 5 पर, 5 2 पर, बस 7 यही आएगा। तो अब ये देखो, ये जो दोनों कोई किसी और पर भी आ रहा हो तो देख लेना, 3 4 पर, हाँ एक और भी तो बचा ना, 3 और 4 पर, 4 और 3 पर ये आ जाएगा। तो देखो ये E1 और E2 जो है ना, ये म्यूचुअली क्या है मेरे पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ना, क्या है ये इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। क्यों है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्योंकि देखो दोनों की जो इंटरसेक्शन है, जो यहाँ आकर कर रहा है वो यहाँ आकर नहीं करता, तो दोनों की जो इंटरसेक्शन है, इवन इंटरसेक्शन E2 जो है वो क्या आ गई है, एम्प्टी आ गई। तो ऐसे इवेंट्स को बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, की दो इवेंट्स जिनकी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी आए तो वो मेरे पास क्या हो जाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। और एग्जॉस्टिव का एग्जाम्पल लेना चाहो तो ये ले सकते हो कि मैंने ना सैंपल स्पेस के अंदर कार्ड्स ले लिए, ठीक है, कार्ड्स ले लिए, मैं ये करूं, मैंने एक सेट ए लिया या इवेंट फर्स्ट लिया, इवेंट इसके अंदर जो है वो मेरे पास क्या है, वो है ऑल रेड कार्ड, ठीक है, रेड कार्ड। उसके बाद है ई टू, इसकी मैं बात करूं तो इसके अंदर मैंने ले लिए डायमंड। E3 की बात करूं, इसके अंदर मैंने ले लिए क्लब, और E4 की बात करूं तो इसके अंदर मैंने ले लिए यहां पर ना रेड कार्ड, चलो हो ही गया वैसे तो कार्ड कंप्लीट, डायमंड ही रख लेते हैं, और E4 के अंदर मैंने ले लिए सारे क्या, स्प्रेड, ठीक है। तो अब ये देखो कि अगर मैं इवन E2, E3 और E4, इवन यूनियन E2, यूनियन E3, यूनियन E4 ले लूं, और वो वापस क्या आ रहा है, सैंपल स्पेस के इक्वल ही तो आ रहा है, सैंपल स्पेस जिसके अंदर 52 कार्ड्स हैं, जिसके अंदर 52 कार्ड्स हैं, कि तुमने कोई भी सैंपल स्पेस है और तुम्हारे पास जो भी इवेंट्स हैं उन सारे इवेंट्स की अगर यूनियन तुमने की और वो सैंपल स्पेस आ गई, तो ऐसे इवेंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। कैसे इवेंट्स होंगे, वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे, जिनकी यूनियन क्या आ जाएगी, सैंपल स्पेस आ जाएगी। आ गई बात समझ में, हाँ बिल्कुल। कि तुम ये भी एग्जांपल ले सकते हो, तुमने एक डाई को जो है वो रोल किया और तुम्हारे पास इवेंट इवन के अंदर है इवन नंबर वो 2 4 6, और E2 के अंदर है ऑड नंबर 1 3 और 5। तो ये देखो इवन यूनियन E2, तुम्हारे पास वापस सैंपल स्पेस आ जाएगी, क्योंकि सैंपल स्पेस के अंदर है 1 2 3 4 और 5, और ये तुम्हारे पास जो है इवन इंटरसेक्शन E2 एम्प्टी भी है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और ये एग्जाम्पल म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का भी है। अगर मैं ये ले लू ना तो ये दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इवन और इवन, इवन और E2 का जो मेरे पास यूनियन है वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ रही है, और इवन और E2 के इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है, तो इसलिए ये क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए, ठीक है। ये दोनों के लिए भी एग्जाम्पल हो सकता है एक साथ।
आ गई अब बात समझ में? चले नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, सॉरी नेक्स्ट आगे। चलो उसके बाद बात करते हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं ये जो तुम सबको पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए, दैट इज किसी भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे फाइंड आउट करते हो? ऊपर आते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, डिवाइडेड बाय नीचे आते हैं नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस बोल सकते हो, या जो भी मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे के सारे डिवाइड में नीचे आ जाते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होगी, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि एक डाइस को रोल करते हैं तो मेरे पास जो है 7 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो 0/6 लिखोगे तो क्या आएगा? जीरो ही तो आएगा, तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। अगर श्योर इवेंट है तो श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी, क्योंकि तुम्हारे पास नीचे क्या आएंगे? पॉसिबल जो भी आउटकम्स है, और ऊपर जो भी तुमने श्योर इवेंट है, तो वो जो श्योर इवेंट है उस केस में जो मेरे पास क्या है, जो फेवरेबल आउटकम्स है और जो टोटल आउटकम्स है वो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब जितनी हमने थ्योरी की है पहले उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। अब मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है ये, इफ ए एंड बी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, कैसे इवेंट्स हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो देन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा? ए एंड बी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, देन पी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन होगा। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, देखो ये पी ऑफ ए प्लस बी लिखो या पी ऑफ ए यूनियन बी लिखो, सेम बात है, इक्वल होता है। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जीरो होगा, मतलब एम्प्टी होगा ये कह सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी भी एम्प्टी आएगी, तो ये खत्म हो गया, तो किसके इक्वल आएगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी के इक्वल, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज, बिल्कुल अभी बताया था कि श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि उसमें फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स दोनों क्या होंगे? सेम। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स इज, बिल्कुल राइट आंसर है डी। अभी लिखा था हमने कि जो इम्पॉसिबल इवेंट्स होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? जीरो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, इफ ई इज एन इवेंट, ई इवेंट है, द पी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ई बार जो है ना, ये ई बार ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर ई सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है तो ये उसके कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उल्टे को। तो बिल्कुल तुमने क्या ऑप्शन दिया? बी, बी बिल्कुल राइट आंसर है। तुम्हें पता है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, अब पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई आ जाता है। ठीक है, जो तुम्हारे सक्सेस और जो फेलियर है, टोटल जो दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम है वो 1 के इक्वल होता है। ये फेलियर है तो सक्सेस, फेलियर निकालना है तुम्हें तो 1 में से क्या कर दो टोटल। तुम्हें पता है ना प्रोबेबिलिटी, तुम्हारे पास जो भी होगी वो उनका जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाया करती है? 0 to 1। तो जो मेरे पास क्या होगा, टोटल 1 में से सक्सेस को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? फेलियर बचेगा। बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका आंसर तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। बिल्कुल राइट आंसर है 12th का डी, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी ऑफ ई देन
तो प्रोबेबिलिटी जो पी ऑफ ई की है इवेंट की, वो 0 से 1 तक लाए करेगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कल करेंगे बेटा, कल बताऊंगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है? टॉपिक वाइज, लाइन वाइज सारे टॉपिक्स पर चलेंगे, तो कल पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो कल ही बात करेंगे। आज जितना हमने आज सोचा हुआ है, पहले फटाफट आज उसको कंप्लीट करते हैं। चलो, अब मेरे पास है कॉइन। सबने देखे हैं कॉइन। कॉइन की एक तरफ मेरे पास हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। अब हम कॉइन का कॉन्सेप्ट करेंगे और उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? चलो, तो अब हमारे पास जो है कॉइन की अगर हम बात करें, तो यहां पर ना तुम चाहो तो वैसे हेड और टेल कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। डिक्शनरी वाले टॉपिक का आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है? डिक्शनरी वाले दोनों टाइप के क्वेश्चंस, दो चार क्वेश्चंस डाले हैं मैंने, वो चारों क्वेश्चंस जो हैं, एक वो है जो कोई भी वर्ड है जिसके डिस्टिंक्ट है, मतलब कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, और एक मैंने जो है वो उसमें वो वाला डाल दिया है जिसमें तुम्हारे पास क्या है, मान लो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करना है लेकिन कोई भी जो अल्फाबेट है वो रिपीट हो जाए, ठीक है? सब कुछ करेंगे, एक बार प्रोबेबिलिटी को खत्म हो जाने दो। आज फर्स्ट क्लास है ना, और बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से हम जो है उसको लेते हुए चल रहे हैं। तो जब सारी चीजें हो जाएंगी, रैंक वाले क्वेश्चंस आज तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है? रिकॉर्डेड और मैं ग्रुप में डाल दूंगी तुम्हें, तो देख लेना उसको, अच्छे से समझ में आ जाएगा एक बार में, ट्रिक के साथ बताऊंगी। चलो, क्वाइन वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो ना क्वाइन वाले क्वेश्चंस को तुम वैसे भी कर सकते हो कि डायरेक्ट देख लो, या क्वाइन वाले क्वेश्चंस के लिए ना एक कॉन्सेप्ट भी है, इस कॉन्सेप्ट को भी कर सकते हो चाहो तो इस तरीके से भी। जैसे तुमने दो क्वाइन को, यहाँ क्वाइन है, ठीक है, ये तुम्हारे टोटल आउटकम्स हैं, और यहां पर तुम्हारे क्या आ जाएंगे, जो फेवरेबल आउटकम्स है, ठीक है? अब देखो, तुमने तुम दो क्वाइन को टॉस करते हो तो टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हो, 2 की पावर उतनी ही कर दो, 4। टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 4। और यहां जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ना क्वाइन वाला, ये क्वाइन वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैं 11 से बता रही हूँ। तो अब तुम्हारा दो क्वाइन को कर रहे हो तो 11 का स्क्वायर कर दो, कितना होता है, 1 to 1, ठीक है? उसके बाद तीन क्वाइन को थ्रो करोगे तो टोटल आउटकम्स 8 आएंगे, 11 का क्यूब। 11 का क्यूब कैसे लिखोगे, ऐसे याद नहीं है ना, तो ऐसे लिखो जैसे पास्कल ट्राइंगल लिखते हो ना बाइनोमियल में, 1 1, इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 3। उसके बाद 4 क्वाइन को थ्रो करते हो तो 2 की पावर 4, 16 आउटकम्स होंगे, 11 की पावर 4, 1 1, इन दोनों का सम 4, इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 4, ये 11 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है? ये क्या आ जाएगा, 11 की पावर 4, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। अब जैसे यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चंस देखो, बिल्कुल वैसे ही ना, 11 11 के कितने भी पावर तुमसे पूछा जाए, जैसे पास्कल ट्रायंगल है ना, बिल्कुल पास्कल से निकाल लो इसको। चले आगे, अब देखे क्वेश्चंस कैसे करने हैं हमें क्वाइंस वाले। अब मेरे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 टेल इन 4 थ्रोन विच आ कॉइन इज। अब तुमने 4 बार थ्रो किया, प्रोबेबिलिटी निकालनी हैविंग एट लीस्ट 1 टेल इन 4 थ्रोन। अब 4 में एट लीस्ट वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अब तुमने कहा, क्या कहा था मैंने, फेवरेबल आउट, टोटल आउटकम्स तुम्हें पता है, 4 बार थ्रो किया तो जो तुम्हारे टोटल आउटकम्स है वो 2 की पावर 4 16 बने। तुम्हें फाइंड आउट करने हैं क्या, फेवरेबल आउटकम्स। तो क्या करोगे, 11 की पावर 4, क्या था 11 की पावर 4, ये 133 था ना, तो ये था 1464। तो अब देखो, जब इसने बात की टेल की, तो याद रखो टेल पीछे होती है ना, तो पीछे से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4, पीछे से बैक काउंटिंग कर लो, 0 1 2 3 4, बैक काउंटिंग कर ली। अब इसने कहा एट लीस्ट 1 टेल, अब एट लीस्ट 1 टेल का मतलब है 1 या 1 से ज्यादा। ये क्या दिखा रहे हैं,
एक भी टेल नहीं, एक टेल, दो टेल, तीन टेल, चार टेल, तो एटलीस्ट एक टेल में तुम्हारे पास क्या आएगा, ये सारे के सारे आ जाएंगे, है ना। एटलीस्ट वन टेल में ये सारे के सारे आ जाएंगे, तो 10 15 तो कितना हो गया, 15, समझ रहे हो ना। एटलीस्ट वन टेल का मतलब है एक टेल प्लस टू टेल प्लस थ्री टेल प्लस फोर टेल, तो सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो वन टेल आने के, ये तुम्हारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। वन टेल 4/16, टू टेल 6/16, थ्री टेल 4/16 और फोर टेल 1/16, सबको ऐड कर दो 15 बाय क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। या 1 में से 1/16 घटा दो, ठीक है। एटलीस्ट वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एटलीस्ट वन टेल की, तो क्या कर दो, टोटल में से जब एक भी टेल नहीं आएगी वो माइनस कर दो, ये भी कर सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो वन टेल तो एटलीस्ट सब में आएगा, तो क्या कर सकते हो, वन में से जब एक भी बार टेल नहीं आएगा वो माइनस कर सकते हो, तो तुम्हारे जब एक बार, एक भी बार टेल नहीं आएगा, तो एक भी बार टेल नहीं आएगा वो तभी होगा जब चारों पर हेड आएगा, तो 1/16 होगी, तो कितना आ जाएगा, 15/16, किसी से भी फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत हो तो बता दो, चाहे ऐसे फाइंड आउट कर लो चाहे ये फाइंड आउट कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट हेड्स विल अपियर एट लीस्ट टू टाइम्स। अब थ्री कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, तो 11 की पावर 3, 1331। अब तुम्हारे पास क्या है, हेड पूछा है, तो हेड सिर ऊपर होता है ना आगे, तो यहां से शुरू करेंगे 0 1 2 3। अब इसने कहा अपियर एट लीस्ट टू हेड, एट लीस्ट टू का मतलब है दो या दो से ज्यादा, तो क्या क्या इंक्लूड होगा, टू और थ्री वाला, तो कितना हुआ 4/8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मींस तुमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट लीस्ट वन, एट लीस्ट टू हेड की, ठीक है, एट लीस्ट टू हेड की, तो मुझे एट लीस्ट टू हेड की निकालनी है, तो दो या दो से ज्यादा हेड, दो या दो से ज्यादा हेड, तो दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3 है, 3/8, और एक बार हेड आने की जो जो मेरे पास 3 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, 1/8, तो 4/8 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो बता दो। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट मोस्ट टू हेड, वो एट लीस्ट टू हेड था, अब है एट मोस्ट टू हेड, तो 11 की पावर 3 इज इक्वल टू 1331 है, तो हेड ही है, तो 0 1 2 और 3, तो अब एट मोस्ट टू हेड है, तो अब क्या होगा एट मोस्ट टू हेड पर, एटीन्थ का सी, तो एट मोस्ट जब टू हेड की बात करेंगे तो एट मोस्ट का मतलब है टू या टू से कम, तो क्या होगा, पी ऑफ टू प्लस पी ऑफ वन प्लस पी ऑफ जीरो, एट मोस्ट है ना, या तो दो या दो से कम, तो दो से कम तो एक भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है एक भी ना हो, तो इसकी है दो पर कितनी है 3, एक पर कितनी है 3 और 0 पर कितनी है 1, टोटल 8, तो कितना आ जाएगा 7/8।
ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा, 7/8। और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो कि जब मेरे पास तीन हेड में से माइनस वन में से माइनस कर दो तीन हेड को, तो बाकी जो बचेगा वो तुम्हारे पास क्या बचेगा, एटमोस्ट दो हेड ही बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को तो बता सकते हो। नेक्स्ट है अब डाइस वाले क्वेश्चंस। तो डाइस तुम्हें देखे हैं, 1 2 3 4 5 6 सबने देखे हैं, सब लूडो खेलते हैं है ना, तो डाइस हम सबने देखे हैं। तो चलो अब डाइस वाले क्वेश्चंस करते हैं, डाइस वाले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो डाइस वाला जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है, एक तो तुम्हें डाइस वाले कॉन्सेप्ट में ना क्या क्या चीजें पर थोड़ा सा ध्यान रखनी है, याद रख सको, बहुत अच्छी बात है। एक तो सम, ठीक है, जब तुम डाइस को थ्रो करते हो टू डाइसेस को, तो तुम्हारे पास जो मिनिमम सम है वो तुम्हारे पास कितना होगा, जो मिनिमम सम है वो टू होगा जब तुमने डाइस को थ्रो किया और दोनों पर वन वन आया, ठीक है। और जो मैक्सिमम सम आता है ना, मैक्सिमम सम वो कितना होगा, 6 × 6 = होगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसके लिए ना तुम चाहो तो टेबल भी बना सकते हो, याद मतलब नहीं देखो, दो के लिए कोई दिक्कत नहीं है, दो के लिए तुम डायरेक्ट लिख के भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत वहां आती है जैसे तीन के लिए आ जाए, तो उस वाले केसेस में ना तुम्हारे लिए लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वहां अगर तुम्हें लर्न हो तो बहुत अच्छी बात होती है। तो अब तुम्हारे पास जब हम इन सम की बात करते हैं ना, तो इसको ना हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। मिनिमम सम 2 है, मैक्सिमम सम 12 है, तो यहां से इसको लिखना शुरू कर देते हैं। मेरे पास क्या, 2, फिर सम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और अंदर कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 6, यहां तक सीधा जाओ, यहां से बैक काउंटिंग शुरू कर दो, 5 4 3 2 1, 12 एक ही बार आएगा, मैक्सिमम सम 12 एक ही बार आएगा, मिनिमम जो सम 2 है वो एक ही बार आएगा जब दोनों प्लेसेस पर वन आएगा, जो मेरे पास तीन सम है वो दो बार आएगा, एक 1 2 पर और एक 2 1 पर, इस टाइप से। ठीक है, ऐसे ही जब हम थ्री मतलब मेरे पास तीन बार जो है वो डाइस को थ्रो करते हैं, थ्रोइंग 3 डाइसेस, अगर 3 डाइस को थ्रो करते हैं तो अब तुमसे पूछ लेते हैं सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो भी तुम चाहो तो उसको भी लर्न कर सकते हो। कैसे, अगर हम यहाँ पर इसके लिए भी जब तुम 3 डाइस को थ्रो करोगे, तो जो मैक्सिम मिनिमम सम है, मिनिमम सम जो है वो कितना आएगा, 3, कब, जब तीनों प्लेसेस पर वन वन होगा, और जो तुम्हारा मैक्सिमम सम है वो तुम्हारे पास कितना आएगा बताओगे, 18, जब तीनों पर 18 आएगा। ठीक है, तो तुम कहाँ से शुरू करनी है, 3 से, 3 ऐसे, फिर उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप से 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये एक होगा और ये भी एक होगा, क्योंकि ये भी एक ही बार आएगा और ये भी एक ही बार आएगा, दोनों एक ही बार आएंगे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ना यहाँ पर, 6 के बाद 16 से नीचे ना, 6 से नीचे 5 लिखा हुआ है, 4 ये बैक काउंटिंग है और कोई स्पेस भी नहीं है। छोटा कर दे तो अब नजर आ रहा है ना, 3 पर होगा 1, 3 एक ही बार आएगा, 4 3 बार आएगा, ये अगर ये याद रख सको ना तो ये जरूर रख लो, ये 2 वाला जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लाइड ऐड कर लूं मैं, सोचूं ऐड ना करनी पड़े,
चलो कोई नहीं, वैसे यहाँ पर मैं बता ही रही हूँ, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 जो है वो एक ही बार आएगा, ये तुम्हें पता है। 4 3 बार आएगा, 4 सम 3 नंबर्स आएंगे ऐसे जिनका सम 4 आएगा। उसके बाद 5 जो है वो 6 नंबर आएंगे, 6 जो है वो 10 आएंगे, 7 जो है वो 15 आएंगे, और एक मिनट, 4 3 सारे लिखना, 3 4 5 6 7, हाँ 7 पर हो गए 15, 8 पर मेरे पास हो गए 21, 9 पर हो गए 25, और 10 पर हो गए 27। ठीक है, 10 पर कितने हो गए, 27 हो गए। ठीक है, 10 पर हो गए 27, ऐसे 1 3 6, 1 फिर 3, 3 दूनी 6, फिर मेरे पास अगला 10, 10 के बाद 15, 21, 25, 27। बस अब बैक काउंटिंग कर दो। ठीक है, 11 पर 27, 25, 21, 15, 10, 6, 3, 1, यहां तक याद करना है, 10 तक। 1 3 6 10 15 27, 21 25 27, उसके बाद बाकी क्या है, बैक काउंटिंग है। ठीक है, तो 2 वाला चाहे याद करो चाहे ना करो, लेकिन 3 वाला जरूर कर लेना। 3 वाला बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुमसे कहेंगे जिनका सम 10 आ रहा हो, अब ऐसे 27 नंबर हैं, ऐसे 27 पेयर बन रहे हैं जिनका सम 10 आ रहा है, तो 27 बनाने तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है, 27 बनाने तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, तो इसलिए अगर इन सम को याद कर लोगे, 2 वाला तुम्हारे लिए बनाना इजी है, बेशक इसको याद करो चाहे ना करो, लेकिन 3 वाला बनाना तुम्हारे लिए एग्जाम में इम्पॉसिबल है अगर क्वेश्चन आ गया। तो इसको किसी भी तरीके से याद कर लो मेरे पास, कि 1 1 के बाद 3, 3 दूनी 6, अब 6 दूनी 12 होते हैं लेकिन 2 कम हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद 15, फिर 21 25 27, बीच में ना 3 की टेबल है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 होने चाहिए थे, फिर देखो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 नीम 27, और आ रहा है 3 नीम 27, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, इस टाइप से। ठीक है, याद, और ये वापस 11 के बाद है ही तुम्हारा बैक। तो अब जैसे क्वेश्चन की बात करें, मेरे पास है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ नॉट गेटिंग अ सम 7 इन अ सिंगल थ्रो विद अ पेयर ऑफ डाइस इज, बताओ। प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग सम 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 7 इन सिंगल थ्रोइंग ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। Not getting a sum 7, 7 sum ना आने की probability in throwing a with a pair of dice. D D D A D A D, 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो देखो, जब तुम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करोगे तो सम 7 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 6, देखो वो कितनी है, सम 7 आने की, अभी मैंने ट्राइंगल बनवाया था, 6 थी, एक एक कम था ना, एक एक कम था, हमने यहां से शुरू किया था, 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6, एक एक कम थी, 6/36, तो 1/6, जो मेरे पास सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है। तो अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1 में से 1/6 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5/6। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1/6 है बेटा सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो कब है, जब सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सम 7 जो है वो 6 बार आ रहा है। ठीक है, 6 बार आएगा सम 7 जो है, 1 और 6 पर, 6 और 1 पर, 3 और 4 पर, 4 और 3 पर, 5 और 2 पर, 2 और 5 पर, ये आ रहा है 6 है, और टोटल आउटकम्स है 6 × 6 जो है वो कितने हैं तुम्हारे पास, 26। ठीक है, 6 + 6 कितने हैं, 26 हैं। तो नॉट बताना था, तो
तो तुमने क्या निकाल लिया, सम 7 आने की निकाल ली, तो 1 में से 7 आने की प्रोबेबिलिटी, सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी, तो क्या आ जाएगा, नॉट 7 आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो बता दो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, थ्री डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्कोर ऑफ 5 इज। अब जल्दी से बता दो स्कोर 5 की प्रोबेबिलिटी। अभी मैंने थ्री वाला बनाया बनवाया था है ना, उसमें जल्दी से बता दो। टोटल प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम 7, टोटल प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम 7 है 1/6। सी 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 1/36। बिल्कुल, अभी हमने किया था कि मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्कोर 5 है, स्कोर 5 लिखो यहाँ पर, स्कोर 5 लिखो या मैं लिखू सम 5, सेम बात है। ठीक है, स्कोर 5 लिखो या सम 5 लिखो, सेम बात है। तो अब तुम्हारी मर्जी है, या तो 3 बार उछालोगे, 6 देख लो, 5 कब कब बनेगा, 1 2, और 2 पर ऐसे अलग अलग चेंज करके 2 1 2 पर, 2 2 2 1 पर, मतलब तुम देख सकते हो जैसे भी तुम्हें बनाना है। उसके बाद ऐसे ना कितने आएंगे देखो, वो बनाना इम्पॉसिबल है, बट तुम्हें लर्न है, तुम्हें फटाफट से चीजें लर्न है कि सम 5 चाहिए तो सम 5 कितनी बार आ रहा है, 6 बार, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 × 6 × 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1/216 बोल सकते हैं, या मेरे पास टोटल जो प्रोबेबिलिटी आई वो 1/36 आ गई। ठीक है, 1/36 आ गई। कौन सा है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ बेटा। देखो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है थ्री डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 3 डाइस को एक के बाद एक साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ से थ्रो किया गया, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्कोर ऑफ 5। तो उन तीनों डाइस पर टोटल स्कोर 5 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, स्कोर 5 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ या सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास, अब तुम डाइस को थ्रो किया तो 5 कब कब आ सकता है, या तो लिख के देख लो कि पहले पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 2 होगा तो 5 आ रहा है, या पहले पर 2, दूसरे पर 1, इस पर 2 होगा, या पहले दोनों पर 2 हो जाए, इस पर 1 हो जाए, या फिर मेरे पास 1 1 और 4 हो जाए, ऐसे कहीं भी आगे पीछे इस चीजों को लिख सकते हो। तो मैं टोटल 5 बनाना है, तो 6 बन गया ना, 3 हो गया। ठीक है, तो अब या तो लिख के देख लो जैसे हम लिख रहे हैं, लेकिन लिखना में बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम में, बट तुम्हें लर्न हो कि मान लो 3 जो है वो एक बार आ रहा है, 4 जो है वो हमने कहा था 3 टाइम्स आ रहा है, जो 5 है 3 × 2 = 6 टाइम आ रहा है। ठीक है, 3 × 2 = 6 टाइम आ रहा है 5, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, जो सम 5 है वो कितने टाइम्स आ रहा है, वो 6 टाइम्स आ रहा है, सम 5 6 टाइम्स आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 6। तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 की पावर 3। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 की पावर 3, क्योंकि तुम 3 टाइम्स डाइस को थ्रो कर रहे हो, तो 6 × 6 × 6, तो एक 6 से 6 कट गया, 6 का स्क्वायर बचा, मीन्स 1/36 हो जाएगा टोटल जो है प्रोबेबिलिटी तुम्हारी। पीडीएफ नहीं थी, मैंने अटैच तो की थी बेटा, लेकिन मैं दे देती हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत हुई थी, एकदम वो क्लोज हो गया मुझसे, लेकिन मैंने बाद में उसको ओपन करके पीडीएफ अपलोड तो की थी। चलो मैं एक बार उसको दे देती हूँ, अपलोड कर देंगे तुम्हारी पीडीएफ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कल मुझसे पता नहीं एकदम तुम पढ़ा रही थी तुम्हें, तो वो क्लोज हो गया, और फिर मैंने दोबारा से ओपन करके पीडीएफ अपलोड की, पर शायद कोई दिक्कत होगी होगी, नहीं हो पाई। चलो अभी तो डाइस वाले क्वेश्चंस ही कई सारे रहते हैं, टाइम हो गया है मास्टर क्लास का। चलो बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं ना उसको करते हैं मास्टर क्लास में, तो सब बच्चे जल्दी से मास्टर क्लास में आ जाओ, मास्टर क्लास में करते हैं, क्योंकि मास्टर क्लास का टाइम हो गया है। तो बाकी मेरे पास कार्ड बचे, कार्ड वाले क्वेश्चंस, और मेरे पास क्या बचे, जो डाइस वाले क्वेश्चंस हैं, तो उनको कंटिन्यू कर लेते हैं मास्टर क्लास में।
तो जल्दी से मास्टर क्लास में आ जाओ। क्लास अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर किया करो। कल प्रोबेबिलिटी को आगे डेली प्रोबेबिलिटी के छोटे छोटे से पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, एक साथ नहीं खिचड़ी बनाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे जो है, जैसे कल मैं आगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो चीजें हैं वो, या मेरे पास रैंडम वेरिएबल, आगे कल ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, इस टाइप से करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो इसलिए जब कंप्लीट हो जाए, जब मैं ये कहूँ कि कल दूसरा टॉपिक स्टार्ट कराएंगे, तब मुझे ये बताना कि मैम ये चीज रह गई है, देन कुछ ऐसा कुछ होगा तो मैं उसको फिर अगली क्लास में कंटिन्यू कर लूंगी, ठीक है। चलो।